जनपद अमरोहा के जिला अधिकारी उमेश मिश्रा को ज्ञापन सौंपने के लिए जिला प्रेस क्लब अमरोहा और अमरोहा प्रेस क्लब वेलफेयर सोसाइटी के पदाधिकारी जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे और उन्होंने जिलाधिकारी उमेश मिश्रा को 6 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने गाजियाबाद के पत्रकार विक्रम जोशी के हत्या के मामले में परिवार को 50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता की मांग की। साथ ही नोगावा सदात कस्बे के पत्रकार अकबर सेफी पर लगे गुंडा एक्ट को समाप्त कराने की मांग की। इसके अलावा ज्ञापन में हर जनपद के थाने और प्रशासनिक कार्यालय में पत्रकार डेस्क की स्थापना, पत्रकारों के हमले पर तुरंत सख्त कार्रवाई सहित अन्य मांगों को लेकर जिलाधिकारी को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। इस मौके पर क्लब के पदाधिकारियों ने कहा कि हमारी सभी मांगें जायज हैं, इन पर जल्द विचार करके अमल किया जाए, ऐसी हमारी मांग है। इस मौके पर नदीम अहमद, इमरान अहमद, नकी मेहंदी, अमरोही चौधरी, महेंद्र सिंह, मयंक शर्मा, तुलाराम ठाकुर, जावेद अंसारी, कपिल कुमार, मिसज रजा, शहजाद आबिदी मौजूद रहे। आज हमने जिला प्रेस क्लब अमरोहा और अमरोहा प्रेस क्लब की तरफ से संयुक्त रूप से ज्ञापन जिलाधिकारी महोदय को दिया है। इसमें हमने 6 बिंदुओं पर जिलाधिकारी महोदय के द्वारा जो है मुख्यमंत्री जी से मांग की है। इसमें हमने जो गाजियाबाद के शहीद पत्रकार हैं उनके परिजनों को 50 लाख रुपए की सहायता देने की मांग की है। साथ ही नोगावा के हमारे पत्रकार साथी अकबर सैफी पर लगाए गए गुंडा एक्ट को हटाने की मांग की है। और इसके अलावा हर ज़िले में प्रत्येक थाने और प्रशासनिक भवन में पत्रकार हेल्प डेस्क के साथ ही पत्रकारों को आर्थिक सहायता की भी मांग की है। इस तरीके से 6 बिंदुओं पर हमने सबने मिलकर आज ये मांग जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री जी से की है। जिला प्रेस क्लब और अमरोहा प्रेस क्लब की तरफ से जिले भर के पत्रकारों ने संयुक्त रूप से ज्ञापन राष्ट्रमंत्री और मुख्यमंत्री को संबोधित डीएम साहब को दिया है, जिसमें प्रदेश में पत्रकारों पर बढ़ रहे अत्याचार और उत्पीड़न, उनके खिलाफ हो रहे फर्जी मुकदमों के खिलाफ रोष व्यक्त किया है और मांग की है कि हमारे अमरोहा के नौगावा में अकबर सैफी के खिलाफ गुंडा एक्ट का मुकदमा कायम कर दिया, उसके खिलाफ जाँच करते उस मुकदमे खत्म किया जाए और गाजियाबाद में जो वो मेरा था विक्रम जोशी पत्रकार उसके पत्रकारों को उसके हत्यारों को 50 लाख उसको कड़ी सजा दी जाए और उसके घर वालों को 50 लाख दिया जाए। और हमने मांग की है कि जो पत्रकार कोरोना में काम कर रहे हैं, जैसे और अधिकारी काम कर रहे हैं, ऐसे पत्रकार भी काम कर रहे हैं, ऐसे ही पत्रकारों को भी कोरोना योद्धा घोषित किया जाए। और मुख्यमंत्री से मांग की गई है कि मुख्यमंत्री अपनी विवेकाधीन कोष से 10-10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता राशि पत्रकारों को दें और 50-50 लाख का उनका बीमा कराएं, दुर्घटना बीमा। बताना खाता किसी पत्रकार को इस दौरान कुछ हो जाता है तो उनके परिवार को 50 लाख रुपया दिया जाए या उनका बीमा कराया जाए।